आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, एक्टिव न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया स्वागत करता हूं। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। लिखने वाले की मंशा कुछ और ही थी, लेकिन वर्तमान पीढ़ी इसे कुछ और ही समझ रही है। उनके अनुसार तो वर्ष में एक बार शहीदों की चिताओं पर जाने से ही काम पूरा हो जाता है। शहीदों की मूर्तियों, संग्रहालयों, फोटो गैलरियों की हालत बताती है कि उनके वारिस उन्हें कितनी महत्ता दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब बॉर्डर पर स्थित शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति स्थल व फोटो गैलरी आज की तारीख में खस्ता हाल है। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत को बिना परमिट के दाखिला दिलवाने वाले इस शहीद के स्मृति स्थल, जिसका नाम एकता स्थल रखा गया है, के दो मुलाजमों को पिछले 3 वर्षों से उनका मेहनताना नहीं मिल पाया व इस एकता स्थल का बिजली का बिल भी 27,350 पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है। समारोह की हालात बताती है कि उसे गैरों ने तो क्या अपनों ने भी उपेक्षित कर रखा है। पेश है इस संबंधी एक्टिव न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। एक्टिव न्यूज़ के लिए मैं विशाल मेहरा इस समय खड़ा हूँ माधोपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता स्थल। मेरे पीछे जो आप एक देख रहे हैं प्रतिमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, इस बुत का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पीछे जिस पट्टिका पे लिखा हुआ है श्री मोहन भागवत सर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर नाथ प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, सांसद और साबका उप प्रधानमंत्री, इसके साथ ही काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है आप देख सकते हैं लीडर्स की, जिन्हों जो जो उस समय यहाँ इस प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान पहुँचे थे। लेकिन इस एकता स्थल की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लाइट्स टूट चुकी हैं, ख़राब हैं, जलती नहीं है। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ हर हफ्ते स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है लगभग पिछले 3 साल से। प्रतिमा के बिल्कुल सामने एक संग्रहालय बनाया गया है जहां इनकी जीवनी, इनकी फोटोज़, काफ़ी सारा सामान रखा है, लेकिन वो इस समय मरण अवस्था में पहुंच चुका है। इस समय खड़े हैं माधोपुर के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो एकता स्थल बना है, उसी एकता स्थल के अंदर एक फोटो गैलरी उनकी बनाई गई है जिसकी हालत अभी आपको दिखाएंगे कि क्या बन चुकी है। मेरे सामने कुछ तस्वीरें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीचे गिरी हुई हैं, धूल इन पे जम चुकी है, आप देख सकते हैं ध्यान इसका किसी तरफ नहीं जा रहा है। कुछ फोटोज टूट चुकी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टीज के झंडे भी जहां पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ नेम प्लेट्स ये भी टूट चुकी हैं, किसी ने लगाने की जहमत नहीं उठाई, ये सिर्फ यहीं पड़ी हैं, पड़ी पड़ी इस फोटो गैलरी की शोभा बढ़ा रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों की हालत क्या हो गई है, काफी धूल इन फोटोज पे जम चुकी है। बिल्डिंग की हालत खस्ता हो चुकी है, ये देख सकते हैं प्लास्टर जगह जगह से उतरना शुरू हो गया है, सफेदी सारी पेंट जो है उखड़ के नीचे गिर चुका है, टाइल्स पे काफी गंद धूल मिट्टी जम चुकी है। विजिटर रजिस्टर दिखाएंगे आपको जहाँ पे काफी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े बड़े नेता यहाँ आ चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा 25-1-2011 को यहाँ आए थे, और उनके कमेंट्स में लिखा गया है कि आज मुझे राष्ट्रीय एकता स्थल पर लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर
माल्यार्पण करने का सौभाग्य मिला है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। 25/1/2011 को वो यहाँ आए थे और अपने कमेंट्स में उन्होंने लिखा है, अ सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। पूर्व प्रेसिडेंट थे बीजेपी युवा मोर्चा के, वो भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट्स यहाँ दिया गया है उनकी तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इनके द्वारा एक कमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। निशान ते हैं कि क्या हालत इस फोटो गैलरी की हो चुकी है जगदीश जी, क्या प्रॉब्लम्स क्या है? दूसरा इस पार्क की कोई देखभाल नहीं, मैं बड़े बारी जाकर उसे पिटिया। ये कितने? मैं भूड़ लगा। ठीक है। चीजों को। तो ईओ साहब ने क्या जवाब दिया? पहले जवाब देने हैं भी कोई तो तुफान देने हैं, देने हैं, देने हैं, कोई तुफान ही। ओमड़ी ना बत्तियां बंद ने सारियां खराब ने, मैं बड़े बारी गया। कोई केयर नहीं करता, कोई नहीं सुनता। मैं थे 2010 का। ठीक है। तो जो सैलरी थी वो कब तक आपको मिलती रही? 2013 नहीं चलेंगे का नारा देने वाले शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता स्थल का हाल जो अभी आपने देखा है, मरण अवस्था में ये एकता स्थल पहुंच चुका है। इन शहीदों की वजह से भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए इसी पार्टी के लोग, जिनकी नजरें इस एकता स्थल पर आज तक नहीं पड़ी, उसका जिम्मेवार कौन है? एक्टिव न्यूज के लिए मैं विशाल मेहरा, कैमरामैन मनमोहन मोनू के साथ। भारतीय जनता पार्टी पठानकोट के जिला महामंत्री विपिन महाजन इस समय हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि माधोपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो एकता स्थल वहां पे स्थापित किया गया, बनाया गया है, और एक खराब हालत का जिम्मेवार कौन है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शहीद किसी भी पार्टी या किसी भी संप्रदाय के नहीं होते, शहीद शहीद होते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी याद में एकता स्थल बना है, वो भारत के आज़ादी के बाद के भारत की एकता और अखंडता के लिए शहादत देने वाले प्रथम शहीद थे, और उनकी शहादत के बाद उनकी याद में ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क एकता स्थल जो है वो भारत सरकार की ओर से बनाया गया था, और इसका रखरखाव जो है उसकी जिम्मेदारी नगर सुधार ट्रस्ट पठानकोट की दी गई थी, और जितनी देर नगर सुधार ट्रस्ट काफ़ी देर इसकी रखरखाव करता रहा, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद 27,000 रुपया बिजली का बिल है वो भी जमा नहीं करवाया गया है, और एक साल के से ज़्यादा का समय जो जब से ये सरकार बदली है तब से उस पार्क एकता स्थल का जो है कोई भी रखरखाव नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर वहाँ जाते हैं, वहाँ हर सप्ताह जाके सफाई करते हैं, 15 दिन बाद जाते हैं सफाई करते हैं। स्थानीय प्रशासन या स्थानीय विधायक से क्या मांग करते हैं? मेरा ये कहना है कि ये आज़ादी के बाद के ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी प्रथम शहीद हैं, मेरी ये मांग भी है और मेरा ये कहना भी है कि इस पार्क को का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और यहाँ पूरी सफाई की और यहाँ रख रखाव की और व्यवस्था पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर बननी चाहिए।